मैम राजनीति है यहाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर उनको आप ऐसे ट्रीट करोगे तो फिर क्रिमिनल्स और उनके लिए बाहर और जेल एक बराबर हो जाएगी। जो फैसिलिटीज वो बाहर नहीं ले पा रहे वो जेल में ले रहे हैं, इसका इट मीन्स। और बीइंग आप सोशली अगर आप इतना स्ट्रांग हो, आप एक बीइंग अ लीडर, उसके बाद आप ऐसा ये हरकतें कर रहे हो जेल में जाके, वो सोसाइटी को मैसेज के कन्वे कर रहे हो, वो भी गलत कन्वे कर रहे हो, और इससे फिर लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। मनी का करते हुए एक भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गए हैं, कोई बॉर्डर पे लड़कर नहीं आए थे वहां पे। का जो हथकंडा है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये अब नहीं होगा। देश की जनता इतनी भी पागल नहीं है जो केजरीवाल के बहकावे में बह जाए। बीजेपी ने यही बोला है कि उसको वहाँ सत्येंद्र जैन को वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप इसको नहीं नकार सकते, और ये चीज मीडिया में प्रूव्ड है। मनीष सिसोदिया जी ने आज तक एक महीने में आके बचाव क्यों नहीं किया, आज तक उन्होंने क्यों प्रूफ नहीं दिया, इसका कोई जवाब है? जब तक इसका जवाब नहीं है तब तक ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं होता। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। इस समय सीसीटीवी फुटेज एक काफी वायरल हो रहा है, और सीसीटीवी फुटेज है तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मसाज लेते हुए। उस पर काफी बीजेपी के नेताओं ने आक्रोश जताया है और बोला है कि वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जिसकी चर्चा हम 1.5 महीने से कर रहे थे, और आज वो साबित हो चुकी है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में मौजूद होने के बावजूद वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उस पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि फिजियोथेरेपी ने उनको ये मसाज देने के लिए है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में ऐसे लांछन लगाना किसी भी नेता पे, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। इस पर जानेंगे कि जनता का क्या कहना है, कि क्या वो सत्येंद्र जैन का मसाज लेते हुए वक्त वीडियो सही है या गलत है। सही समय सत्येंद्र जैन मानहानि और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद है, और उनके एक तिहाड़ जेल का फुटेज सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो मालिश करवाते नजर आ रहे हैं। कोई वो किताबें पढ़ रहे हैं आराम से शौकन शहरत में, और कोई पीछे से तेल लगा रहा है, उनको मालिश की जा रही है। आपको क्या कहना है आपका, कि जेल में रह के भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है? ये तो बहुत गलत है, और ये जो सिस्टम का दुरुपयोग है ये बेसिकली, ठीक है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। जेल का मीन्स, जेल का मतलब होता है जो बंदा जेल में चला गया फिर वो सोशल एनिमल नहीं है, अनसोशल एनिमल है, इसलिए उनको जेल में रखा जाता है कि सोसाइटी में मिक्स ना हो। अगर उनको आप ऐसे ट्रीट करोगे तो फिर क्रिमिनल्स और उनके लिए बाहर और जेल एक बराबर हो जाएगी। जो फैसिलिटीज वो बाहर नहीं ले पा रहे वो जेल में ले रहे हैं, इसका इट मीन्स। और बीइंग आप सोशली अगर आप इतना स्ट्रांग हो, आप एक बीइंग अ लीडर, उसके बाद आप ऐसा ये हरकतें कर रहे हो जेल में जाके, वो सोसाइटी को एग्जांपल भी मतलब जो एग्जांपल उसका जो आपका आप मैसेज के कन्वे कर रहे हो वो भी गलत कन्वे कर रहे हो, और इससे फिर लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि भाई इसको तो जेल में डाल के भी आप इतनी अच्छी वीवीआईपी फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये नहीं था तो फिर जेल में क्यों डाला? हाँ, फिर जेल में क्यों डाला अगर आपने देना था तो? ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके ऊपर उन पुलिस वालों पे भी एक्शन होना चाहिए, जेल अधिकारियों पे भी एक्शन होना चाहिए जो ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता बीइंग एन इंडियन सिटीजन, कि हमारी मतलब जो ऐसे सोशल एनिमल्स, एंटी सोशल एनिमल्स मैं बेसिकली कहूँगा, अब तो सोशल एनिमल्स नहीं रहे वो, जब वो जेल चले गए हैं तो उसके बाद उनको आप ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हो। जैसे सर ने कहा कि ऐसी फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब सत्येंद्र जैन के ऊपर बीजेपी ने हमला किया कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो अरे मनीष सिसोदिया ने ये बोला कि वो क्योंकि बीमार है, वो इंजर्ड है, उनकी बैकबोन की इंजरी, उनकी सर्जरी हुई है, तो उनको ऐसा ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो ये आप कैसे किस तरीके से लेंगे? सत्येंद्र जैन के फैसिलिटी का मसाज का मुद्दा पिछले एक महीने से चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने एक महीने पहले क्यों नहीं कहा कि उसकी फिजिकल थेरेपी चल रही है? क्यों आप पार्टी पहले बचाव में नहीं उतरी? आज जब प्रूफ सामने आ गया पब्लिक के कि वो वहाँ पे अय्याशी कर रहा है, आराम से मजे मार रहा है, तो मनीष सिसोदिया उठ के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। एक महीने पहले भी बीजेपी ने कहा था कि वो वहाँ पे आराम से मालिश करवा रहा है, मसाज चल रहा है, सब चल रहा है। एक महीने पहले मनीष सिसोदिया कहा था, तब उसने क्यों नहीं कहा कि वहाँ पे फिजिकल थेरेपी चल रही है? आज जब सबूत सामने आ गया तो अब उनको डिफेंड करने आना पड़ेगा। और आप उस आदमी की बात कर रहे हो जो खुद नशे में धुत रहता है, जो पूरी दिल्ली को नशे में धुत करना चाहता है, उस नशेड़ी से क्या करना? उस नशेड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की सबसे बड़ी हकीकत है। तिहाड़ जेल किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है? सर जेल मंत्री कौन है? तिहाड़ जेल किसके अंडर में है? जेल मंत्री, तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार का अधीन है, केजरीवाल का अधीन नहीं है, सुनिए। तिहाड़ जेल गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है,
दिल्ली का कोई जेल मंत्री उसको कंट्रोल तो करता नहीं है, ठीक है। अगर तिहाड़ जेल के अंदर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट पर ऑब्जेक्शन या रोक गृह मंत्रालय ने पहले क्यों नहीं लगाया? कहाँ से मिल रहा है? केजरीवाल दे सकता है? लेकिन जैसे आपके सवाल में बोलना चाहूंगी कि जो उनके अधिकारी हैं, जो जेल के अध्यक्ष हैं और 3 कर्मी हैं, उनको हटा दिया गया। दिल्ली राज्य सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस नहीं आती, आपको मालूम है ना? तो ये बताइए कि 1 महीने से जो उनको थेरेपी की जो बात आ रही है, आज सिसोदिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरा एक इनके तरफ से प्रश्न है, वो मुझे पता है कि इसको ऑब्जेक्शन क्या किया जाए। आप जो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तिहाड़ जेल केंद्र सरकार के अधीन है, वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है? केंद्र सरकार ने रोका क्यों नहीं? गृह मंत्रालय ने रोका क्यों नहीं? 1 महीने से अगर बीजेपी के संज्ञान में है, क्यों नहीं रोका गया? इनके पहले सवाल का जवाब दे देते हैं कि केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस है, तो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। पहले तो एक बात बता देते हैं कि केंद्र, ये केंद्र शासित प्रदेश है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री केजरीवाल है तो बिना केजरीवाल के सिग्नेचर के केंद्र के पास भी इतना अधिकार नहीं है कि वहाँ पे पुलिस को। एक मिनट सर, पहले ये सर संविधान में ये, एक मिनट सर, पहले मैंने आपकी सारी बात, अब जहाँ तक रही बात कि तिहाड़ जेल में मंत्री को जो मसाज दिया जा रहा था उस पर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, इसका सिंपल सा जवाब है, सुन लीजिए। इतने साल से गलत हो रहा है देश में, धीरे धीरे ना कार्रवाई करेंगे? जैसे संज्ञान में कार्रवाई, मैम वीडियो अभी रिलीज हुआ, कार्रवाई करेगी बीजेपी? सबर तो करिए, हर एक बार में तुरंत कोई चीज का निर्णय नहीं लिया जाता है, उसके पीछे क्या सच्चाई? लेकिन जैसे आपको ही पता है कि जो कैमरा अगर लगे भी है तिहाड़ जेल में, उसकी वीडियोस निकालना भी इल्लीगल है, बाहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिक करना भी इल्लीगल है। अगर बीजेपी को ये पता था कि वहाँ पर ये ऐसा उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसा कि सर ने कहा कि वो उनके अंडर आता है दिल्ली पुलिस, और जो तिहाड़ जेल है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो अगर उनको पता था कि ऐसा हो रहा है तो उनको सबूत देने की क्या जरूरत थी? पब्लिक को वो एक्शन लेना चाहते तो ले सकते थे। बता रहे हैं क्योंकि जानते हैं केजरीवाल सबसे पहले क्या बोलते हैं कोई भी आदमी, कि सबूत क्या है कि वो ऐसा कर रहे थे। मैं मान लीजिए अगर सबूत डिलीट हो जाता, गायब हो जाता, तो उसका जिम्मेदारी कौन था? बीजेपी का, ठीक है रिलीज कर दो। अगर किया, मैम पहले तो कोई इसका फैक्ट नहीं है कि बीजेपी ने रिलीज करवाया है, इसका कोई फैक्ट किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी ने करवाया तो मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ। क्या पता अगर वो सबूत मिटा दिया जाता, इसका जिम्मेदारी कौन लेता? लेती विपक्ष बैठा हुआ लेता, विपक्ष तो सीधा एलिगेशन लगाती कि ये मुद्दा नहीं है। रिलीज किया गया, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा प्रश्न ये था, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जो भी निर्णय लेते हो उस पर LG की सहमति जरूरी है, LG के द्वारा जब तक सहमति ना हो, सारे पर LG के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है, हाँ किया जाता है, ना किया जाता है, इस पर क्यों नहीं किया गया? हाँ, 1 महीने से यही तो मेरा प्रश्न है इनके तरफ। हाँ, से मैं प्रश्न का जवाब दूं, यही तो बात है ना कि ये सब हो ही विदाउट परमिशन रहा है। जब पेपर नहीं गया, जब सिग्नेचर नहीं हुआ, जब इंफॉर्मेशन नहीं हुई, तभी तो ये इल्लीगल है, तभी तो ये बहस चिड़ी हुई है। भाई साहब मुख्यमंत्री है, इनको मुख्यमंत्री का पावर नहीं पता है? एक मुख्यमंत्री एक राज्य में राज्य स्तर पे प्रधानमंत्री का पावर रखता है, अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्री को इतना भी फैसिलिटी नहीं दे पाए तो केजरीवाल के साथ जुड़ते क्यों है लोग? क्यों जुड़ेंगे मैम? फायदा है तब ना। और बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, मैम उसके पास तो सिरे नहीं है, कभी कुछ भी बोलते रहता है खुद का। मैम CAG रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसमें भी घोटाला, हर चीज में घोटाला, बात करते हैं कि केंद्र क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करता। मैम करेगा तो उस पर भी एलिगेशन, मैम करेगा ना, अभी तो संज्ञान में आया, अब देखिए कैसे कार्रवाई करता है। जो वहाँ के जेल के जो सुप्रीमो होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार, लेकिन उसके लिए सबर, धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए, बिना धैर्य के काम नहीं होगा। 70 सालों तक हमने झेला ना उसको, 8 साल में ठीक नहीं होता है सिस्टम, 70 साल का करप्ट सिस्टम, उसको 8 साल में ठीक, किसी के बाप के अंदर दम नहीं ठीक करने का, लेकिन बीजेपी ने बहुत हद तक ठीक किया और आगे करेगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी को बने रहना चाहिए। क्या एक मंत्री आज जो हो रहा है ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार है ना, उसकी परमिशन बिना कैसे हुआ? क्या वो छत्रेंद्र जैन जेल मंत्री नहीं है? चलिए अगर तिहाड़ जेल सेंटर के अंदर में भी आते हैं तो वहां पे जो भी कर्मचारी है, जितने भी लोग हैं, क्या उन पे दबाव नहीं बनाया गया होगा? सर आज का दिन है ही नहीं केजरीवाल। लेकिन इनका सवाल ये है कि नहीं पता है कि अगर कोई अगर विधायक, छोड़िए कोई मुखिया बन जाता है ना, तो वो पुलिस को अपने नीचे दबा के रखता है, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो। मैम झारखंड में सरकार कांग्रेस और JMM की है, लेकिन उस केस में होता है जब राज्य का पुलिस विभाग उस राज्य के अंतर्गत आते ही, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, ठीक है ना,
केजरीवाल जी के अंडर आता है। एक मिनट बात सुनिए, पहले सुन लीजिए, जेल का जो वहाँ का जेलर है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है सीएम को। आप सर्च कर लीजिए, पहले पहले आपके जुगलाने से नहीं होगा, जो सत्य है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ आज। लेकिन सर इन्होंने कहा, जैसे सर कह रहे हैं कि आपको रिपोर्ट की जरूरत है, उनके बिना इजाजत के नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ये भी तो सबमिट नहीं किया कि फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो अगर ये जरूरत की जाती तो साइन किया जाता। बात सुनिए एक चीज, कोई वहाँ पे क्या नाम है उसका, बॉर्डर पे लड़ रहे थे केजरीवाल जी जो फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, हवाला के थ्रू गए हैं ना, हवाला का उनके ऊपर एलिगेशन है, हवाला मनी का करते हुए एक भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गए हैं, कोई बॉर्डर पे लड़कर नहीं आए थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब एक चीज, अगर उनको कोई ऐसी जरूरत भी थी, बताइए परमिशन वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करिए वहाँ पे कि किस तारीख पे इन्होंने परमिशन मांगी, किस हॉस्पिटल में इन्होंने कहा, किस डॉक्टर ने इनको रेकमेंडेशन किया, किस फिजियोथेरेपिस्ट ने इन्होंने बोला कि हाँ इनको फिजियोथेरेपिस्ट, क्या घर का उपचार चल रहा है इनका, घर बैठ जैसा समझ रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं, ये में आती है, हम तो सबूत के साथ खड़े हैं, देख लीजिए सबूत, तिहाड़ जेल सीधा सीधा है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिजंस, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। और ये कहा ना कि बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के कुछ नहीं हो सकता, चाहे केंद्र के हाथ में क्यों ना हो, जेल में जाओ चाहे वो सेंट्रल कंट्रोल्ड हो, लेकिन जब वहाँ कंट्रोल की बारी आती है, सेंटर वहाँ पे जाके सीआरपीएफ फोर्स नहीं छोड़ती है, वहाँ स्टेट ओन्ड पुलिस होती है, वो पुलिस किसके अंडर में आती है, कहीं ना कहीं चलिए ठीक है पुलिस दिल्ली की गृह मंत्रालय के अंडर में, मान गए, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर दिल्ली सरकार किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने को पुलिस को बोले, मतलब पुलिस ये बोल दे कि जाओ हम नहीं करते, पहले सेंटर से लिखवा के लाओ, परमिशन लो, अगर किसी मंत्री पे कार्रवाई करना है तो उसको केंद्र के पास जाना होगा, केंद्र में बैठा हुआ बीजेपी, बीजेपी अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करने देगा, मैम ऐसा नहीं होता है, केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश गवर्नर का चलता है, गवर्नर केंद्र के मर्जी से बनता है, लेकिन अगर उस केंद्र में उस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री है तो बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के एक पत्ता नहीं हिलता उस राज्य में, ये लोगों को नहीं जानकारी है। उसके अलावा बात की जाए, वो वहां पे आराम से लेटा हुआ है, वहां पे टीवी का रिमोट रखा हुआ है, वहां टीवी क्या लेने को लगी हुई है, क्या टीवी की परमिशन भी जेलर ने दे दी होगी, सब कुछ आराम से हो रहा होगा, भाई आराम से वहाँ पर बैठे बैठे मैगजीन बैठा, और थेरेपी की बात है एक, अगर इन द केस, सबसे पहली चीज मनीष सिसोदिया ने कोई सबूत क्यों नहीं दिया थेरेपी का, अगर थेरेपी थी और ऑलरेडी सब कुछ था, डॉक्टर का कहाँ पे है प्रिस्क्रिप्शन, अगर थेरेपी था क्या वो लाइसेंस थेरेपिस्ट है, थेरेपी था एक बंदा थेरेपी दे रहा था, वहाँ चार चार बंदे क्या कर रहे थे, एक बंदा आराम से कुर्सी पे बैठा है, एक बंदा दीवार के पास खड़े होकर उससे बात कर रहा है, वो आराम से मैगजीन पढ़ रहा है, एक बंदा उसके पैर की मालिश कर रहा है, और एक बंदा आराम से और खड़ा है, और पास में टीवी का रिमोट पड़ा है। सवाल यही है सर कि अगर वो जेल में जा रहे हैं तो क्या उनको घर का माहौल मिलेगा, तो जेल में जाने का मुद्दा क्या है फिर, जेल में जाने तो बात है उनको तो मजा है, यही तो बात है कि उनको पता ही नहीं कि सजा क्या होती है, इसीलिए तो बेफिक्र है, उनको पता है कि उनका बाप केजरीवाल बैठा हुआ है, बच्चों को अपने कुछ नहीं होने देगा, जिसका बाप ही गलत है उसके बेटे क्या करेंगे। लेकिन सर अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में इतनी पावर होती तो सत्येंद्र जैन को जेल में जाने से ही बचा लेते वो, बताते हैं इतने भी इतना, मैम क्या बोले, जो गलत है अगर गलत साबित हो गया है तो केजरीवाल भले सीएम हो, जनता इतना पागल नहीं है कि कार्रवाई ना करने दे, अगर नहीं करेगा केजरीवाल, अगर हस्तक्षेप करेगा तो केजरीवाल गलत हो जाएगा, केजरीवाल इतना मूर्ख नहीं है मैम, आईआरएस रह चुका है, अधिकारी रहे, उसके पास इतना तो बुद्धि होगा ही, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया, सत्येंद्र जैन को जाने दिया जेल। मैम राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन केजरीवाल का जो हथकंडा है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये अब नहीं होगा, देश की जनता इतनी भी पागल नहीं है जो केजरीवाल के बहकावे में बह जाए। लेकिन सर आप सब, आपने बता दिया कि इन्होंने कभी प्रूव नहीं किया कि इनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, फिर भी उनको ये सारी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। सवाल ये होता है कि ये जी जो कार्रवाई इन्होंने की, ये तभी क्यों किया गया जब एक और एक दिन पहले वो जो पक्ष के मंत्री थे उनको ये इल्जाम लगाया गया था कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है जेलों में, तब बीजेपी ने या किसी भी तरीके से बीजेपी ने इस चीज को आग क्यों दी, हवा क्यों दिया? बीजेपी है जो तो पिछले डेढ़ महीने से बोल रही है, क्या उसने नहीं कहा? डेढ़ महीने से बोल रही है ना बीजेपी ने, तो डेढ़ महीने से बोला है, आज 40 दिन से ऊपर हो गए, बीजेपी ने यही बोला है कि उसको वहाँ सत्येंद्र जैन को वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप इसको नहीं नकार सकते, और ये चीज मीडिया में प्रूव्ड है, अगर ये मुद्दा उठता है तो ये मुद्दा ही गलत है कि बीजेपी ने आज बोला, बीजेपी ने तो डेढ़ महीने से बोला,
शायद उनके पास आज कोई प्रूफ वीडियो में हाथ आ गया, उन्होंने सामने रख दिया, उनके हाथ में जैसे ही आया उन्होंने सामने रख दिया। लेकिन सर वहाँ पे सीसीटीवी तो कई टाइम से लगा होगा ना, एक महीने से अगर चीज बोल रहे थे हो रहा था तो एक महीने से लगातार हो रहा होगा। एक महीने से होता मनी फिजियोथेरेपी तो एक महीने से हो रही होगी, अगर बीजेपी ने ये बोला है तो बीजेपी भी एक महीने से बोली है। मनीष सिसोदिया जी ने आज तक एक महीने में आके बचाव क्यों नहीं किया, आज तक उन्होंने क्यों प्रूफ नहीं दिया, इसका कोई जवाब है? जब तक इसका जवाब नहीं है तब तक ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी हकीकत यह है, जब एक पार्टी पब्लिक के सामने सच ला रही है आप उस पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो तो वो उंगली उठाना ही गलत है। शायद आपकी उंगली की दिशा गलत हो गई है इस बार, सबसे बड़ी हकीकत यही है। और दूसरी बात, वो आम आदमी पार्टी है, वो आप ही हैं जिनको सत्ता के लालच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब पंजाब में मर्डर हो रहे थे, जब पंजाब में एक्सीडेंट हो रहा था, वहाँ का सीएम केजरीवाल के साथ गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहा था। ऐसी कौन सी राजनीति हो गई, चुनाव के इतना जरूरी हो गया कि अपने स्टेट की सत्ता संभालना छोड़ दो और घूमने निकल जाओ। हमें तो रैलियाँ करनी है, हमें तो घूमना है, ये हुआ है ना। अब ऐसे इंसानों से क्या आशा रखते हो? ऐसे इंसानों को तो मैं हकीकत बोल रहा हूँ, एक पार्षद नहीं बनने देना चाहिए, ये सबसे बड़ी हकीकत है उनकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने देखा लोगों का यही कहना था कि अगर किसी पे इल्जामात लगाए जाने के बाद उसका सबूत मिल जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है तो उसे भी किसी भी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो या फिर मिनिस्टर हो। ऐसे में सत्येंद्र जैन का इस वीआईपी ट्रीटमेंट का लेना लोगों को काफी गलत लगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज़। धन्यवाद।